हेलो ऑल। तो कैसे हैं आप लोग सब? सीएम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था? स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन। तब मैंने आपको बताया था कि बीइंग अ स्मॉल कंपनी, कंपनीज एक्ट ने बहुत सारे उनको एग्जेम्पशंस प्रिविलेजेस अवेल किए हैं, ताकि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कंप्लायंसेस दे कैन फोकस ऑन देयर ग्रोथ। सो आज हम उसमें के कुछ एग्जेम्पशंस देखेंगे जो कंपनीज एक्ट ने स्पेसिफिकली स्मॉल कंपनी को दिए हैं। जैसे हमने बताया था, स्मॉल कंपनी इज अ फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। सिर्फ प्राइवेट कंपनी ही क्या हो सकती है? स्मॉल कंपनी हो सकती है, ठीक है। उसका लिमिट क्या है? करंट लिमिट पीयूसी कितना चाहिए उसके लिए? 50 लाख का। और टर्नओवर 2 CR है। अगर आपका लास्ट प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, इमीडिएट प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 2 करोड़ से, और आपका पेड अप कैपिटल 50 लाख से है, और अगर आप प्राइवेट कंपनी हो, तो यू कैन एंजॉय ऑल दीज बेनिफिट्स। सी, सबसे पहले बेनिफिट के आपने जैसे बताया था कि कॉस्टिंग, ताकि उनको ज़्यादा कॉस्ट बर्डन नहीं आए, इसीलिए कंपनी एक्ट ने क्या बोला है कि ये जो इनका सर्टिफिकेशन होता है, कि जैसे नॉर्मल कंपनी है, अगर वो कंपनी में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, कोई भी ई फॉर्म कंपनी फाइल करती है, तो इट हैज़ टू बी सर्टिफाइड बाय प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी और प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट जो इनकी सब स्माइल कंपनी, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन ज़रूरी है क्या? नहीं। इसका जो एनुअल रिटर्न भी होता है, वो इफ़ द कंपनी इज हैविंग कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट, तो CSI इनके तो भी चलेगा। और अगर कंपनी में CS नहीं है, तो फिर बाय डायरेक्टर ओनली। हाँ, मतलब सिर्फ डायरेक्टर भी अकेला पर्सन क्या कर सकता है? कंपनी का एनुअल रिटर्न साइन कर सकता है। सी, इससे कंपनी का क्या हो जाता है? कॉस्टिंग में काफ़ी फर्क गिर जाता है। कंपनी को प्रोफेशनल फीस पे करने की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं है। जनरली स्मॉल कंपनीज में क्या है, होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी, एम्प्लॉयमेंट में कंपनी सेक्रेटरी कम ही होता है, रेयरली स्मॉल कंपनी अपॉइंट करती है, ठीक है। देन अगर आपकी कंपनी नॉर्मल कंपनी है, तो कंपनी को साल में से 4 बोर्ड मीटिंग्स मैंडेटरी है। अगेन यहाँ पे उनको क्या प्रिविलेज दिया है कि अगर आपने मिनिमम 2 बोर्ड मीटिंग्स भी कंडक्ट की, तो यू आर कंप्लाइंग विद द एक्ट। प्लस क्या बोला है उन्होंने, टू बोर्ड मीटिंग्स इन ईच ऑफ द कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर मतलब जैन टू दिसंबर। तो अभी ईच ऑफ हाफ ऑफ द मतलब कैसा रहेगा? जून तक आपको एक फर्स्ट हाफ में करना है, और आफ्टर जुलाई टू दिसंबर में आपको एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी है। और उसका टाइम पीरियड दिया है कि दोनों मीटिंग्स के बीच में का गैप कितना होना चाहिए? मिनिमम 90 डेज होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने एक मीटिंग जून में होल्ड की, स्मॉल कंपनी की बोर्ड मीटिंग, फिर आप बोल रहे हो मैं जुलाई में तुरंत होल्ड करता हूँ, तो चलेगा क्या? नहीं। अगर आपको एक्ट को कंप्लाई करना है, आप बोर्ड मीटिंग अदरवाइज रख सकते हो, बट अगर आप सिर्फ 2 बोर्ड मीटिंग्स कर रहे हो स्मॉल कंपनीज की, तो यू हैव टू मेंटेन दिस गैप कि 90 डेज का मिनिमम गैप होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा बोर्ड मीटिंग्स कर रहे हो, तो ये मैंडेटरी नहीं। अगर आप 2 ही बोर्ड मीटिंग होल्ड कर रहे हो साल में से, तो उसका मिनिमम गैप कितना होना चाहिए? 90 डेज का होना चाहिए, ठीक है। देन थर्ड इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सी, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, और ऑडिटर्स रिपोर्ट आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है। तो सी, इनके साथ स्मॉल कंपनी, कंपनी को स्मॉल कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है स्मॉल कंपनीज को। देन ये जो रोटेशन ऑफ ऑडिटर है, आपको पता होगा कि नॉर्मल कंपनी है, तो आपको अगर आप किसी इंडिविजुअल को अपॉइंट कर रहे हो एज ए ऑडिटर, तो आपको 5 ईयर्स में उसका रोटेशन करना ज़रूरी है, या अगर फर्म को कर रहे हो तो 10 ईयर्स में उसका रोटेशन रहेगा। बट स्मॉल कंपनी को ये प्रोविजन एप्लीकेबल है क्या? रोटेशन ऑफ ऑडिटर नहीं। सी, स्मॉल कंपनी को रोटेशन ऑफ डायरेक्टर का भी प्रोविजन एप्लीकेबल है क्या? नहीं है। रोटेशन ऑफ डायरेक्टर, दिस प्रोविजन इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल टू स्मॉल कंपनी। प्लस अभी आपने देखा होगा कि कंपनीज का एनुअल रिपोर्ट बहुत बड़ा होता है, एनुअल रिपोर्ट का ही बोर्ड रिपोर्ट एक पार्ट है। तो नॉर्मल कंपनी का आपने एनुअल रिपोर्ट देखा होगा बड़ी कंपनीज का, तो वो तो 100-150 पेजेस तक जाता है। बट इनके साथ स्मॉल कंपनी, इनका स्मॉल साइज भी स्मॉल है, प्लस तो कंसिडर करके इसमें जो ट्रांजेक्शन होते हैं, वो भी थोड़े मीडियम लेवल के होते हैं। तो इसलिए कंपनी ने क्या किया है, कंपनीज एक्ट ने जो बोर्ड रिपोर्ट के अंदर आपको मेंशन करनी है बहुत सारी चीज़ें, उसका भी एग्जेम्पशन स्मॉल कंपनीज को दिया है। आपको ये कहाँ मिल सकते हैं एग्जेम्पशन सारे? रूल 8 ऑफ कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी में फॉरेन एक्सचेंज कितना हुआ, प्लस
आपको अगर एज पर दिस कंपनी को मेंशन करना होता है ड्यूरिंग द ईयर किस डायरेक्टर का अपॉइंट किया, किस डायरेक्टर ने डिज़ाइन किया, आप अगर आपने आपको बिजनेस डाइवर्सिफाई किया है क्या, आपके इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कितना है, बहुत सारी चीज़ें जो नॉर्मल कंपनीज को मेंशन करनी होती है, उसका रिपोर्टिंग बोर्ड रिपोर्ट में करना पड़ता है, बट स्मॉल कंपनी को ये वाला एग्जम्पशन मिला है। देन कंपनी की ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर भी कंपनी को रिपोर्टिंग करना इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल। सी ये जितना भी है कंपनी को, स्मॉल कंपनी को ये जो भी प्रिविलेजेस मिले हैं ये ऑप्शनल है, मतलब दे कैन अवेल द बेनिफिट, अगर उनको कंप्लाई भी करना है तो भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि मेंशन नहीं करना इज नॉट कंपल्सरी, तो अगर स्मॉल कंपनी चाहे तो वो कर भी सकती है। सी हम लोगों ने प्राइवेट कंपनी का स्ट्रक्चर देखा था, क्या स्ट्रक्चर होता है इसमें, मिनिमम कितने मेंबर इसकी रिक्वायरमेंट होती है, 2 मेंबर्स और 2 डायरेक्टर्स, ठीक है। तो ये स्मॉल कंपनी बीइंग अ प्राइवेट कंपनी तो दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम होता है, 2 मेंबर्स 2 डायरेक्टर्स, ठीक है। सो दिस इज सम ऑफ द स्पेशल प्रोविजन्स एग्जेम्पशंस अवेलेबल टू स्मॉल कंपनीज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप अपडेटिंग योर सेल्फ। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।